सेंट एथनी कैथेड्रल चर्च मच में मुकद्दस एंथनी ऑफ पादुआ की ईद नहाय धूमधाम से मनाई गई। नीस क्लीसिया के 36 बच्चों ने इस्तेहकाम का सैक्रामेंट इज्जत मां बिशप खालिद रहमत ओएफएम कैप के दस्ते मुबारक से हासिल किया। इस मौके पर पाक मास के अक्दस कुर्बानी खुदा की नजर गुजरानी गई, जिसकी कयादत इज्जत मां बिशप खालिद रहमत ने की, जबकि मामनत रेवरेंड फादर अकमल ओएमआई, पैरिश प्रीस्ट रेवरेंड फादर वारिस अरशद और ब्रदर काशिफ ओएमआई ने की। अलावाजी होली फैमिली सिस्टर सहबाद ने इस पाक इबादत में शिरकत की। इज्जत मां बिशप खालिद रहमत ने अपने वास में मुकद्दस एंथनी के हालात जिंदगी पर रोशनी डालते हुए कहा कि मुकद्दस एंथनी ऑफ पादुआ की खिदमत मुनादी और खूबियाँ हम सबों के लिए मशले राह हैं। खुदा करे कि हम उनकी तरह यसू से प्यार करने वाले बने, ताकि मुकद्दस एंथनी के सिफारिशात के बदौलत खुदा से बरकत हासिल कर सकें। इस्तेहकाम का सैक्रामेंट हासिल करने वाले उम्मीदवारों को नसीहत करते हुए बिशप जी ने कहा कि इस्तेहकाम का सैक्रामेंट हमें मजबूती अता करता है कि खुदावंद के रास्ते पर चलते हुए आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत का सामना जाफेशानी से करें और हमेशा ईमान में साबित कदम रहें। निस बिशप जी ने उम्मीदवारों को कलीसिया की खिदमत करने और ईमान में आगे बढ़ने की तलकीन की। इबादत के बाद रेवरेंड फादर वारिस अरशद ने इज्जत मां बिशप खालिद रहमत और तमाम मोमिनीन का शुक्रिया अदा किया, नीज ईद की मुबारकबाद पेश की। Radio Veritas Asia.